गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस। साइंस का चैप्टर वन हम वीडियो द्वारा पहले से स्टडी कर चुके हैं, अच्छे से बहुत सभी ने किया होगा। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर को चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आज हम चैप्टर को समराइज करते हैं। चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, जैसे ये हमारे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, इनको अच्छे से सभी को लर्न करना है, इनके मीनिंग को समझना है, जैसा आपको वीडियो में बताया गया है। अब हम देखते हैं चैप्टर की समरी। ये हमारी समरी है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। अगर आपने वीडियो को नहीं भी देखा है तो इस वीडियो को प्लीज और प्लीज अच्छे से वॉच करें और चैप्टर को समझें। नंबर वन पे आता है हमारा, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस द ऑफ देयर बॉडी। तो सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए और आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रोफ्स। तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। प्लांट लाइक कसकटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो हरे पादप जो होते हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। नंबर फोर पर हम आता है, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रकाश संश्लेषण। तो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट जैसी जटिल रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के अच्छे उत्पाद होते हैं। सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स। तो जो सोलर एनर्जी हमारी होती है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ऑक्सीजन इज द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सेल्फ। तो इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तर जीविता के लिए भी किया जाता है। मैनी फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉफ्स। तो कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अ फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हाइड्रोट्रॉफ्स। तो कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वे विषम पोषी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर की समरी को अच्छे से समझना है, बुक से चैप्टर को रीड करना है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर वन के नोट सेंड किए जाएंगे, तब आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से वर्क करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।